नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये JBL का स्पीकर है और इसके जो सारे वायर टूटे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए वायर जो है, यहाँ पर तीन ब्लैक वायर है, एक रेड वायर है। अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर वायर कौन कौन सा लगेगा, तो सबसे पहले इसका बोर्ड देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसका बोर्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीकर प्लस, स्पीकर माइनस, और यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी माइनस और बैटरी प्लस, यानी कि चार वायर हैं और चारों वायर हमें ये लगाने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज करेंगे एक मल्टीमीटर का। तो मल्टीमीटर ले लेता हूँ मैं। अब मल्टीमीटर से सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके अंदर जो बैटरी की वोल्टेज है वो कौन से वायरों में है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला ब्लैक वायर ले लेते हैं और ये रेड वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है और इसमें भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब ये वाला ब्लैक वायर लेता हूँ। तो हाँ देखिए, इस पर वोल्टेज आ रही है, तो यानी कि ये वाला जो है ये बैटरी वायर है हमारा। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो माइनस में क्यों दिखा रहा है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटरी के अंदर क्या दिक्कत है। यहाँ पर बैटरी देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीमीटर में देखिए ब्लैक और रेड बिल्कुल सही लगा रखा है, और लेकिन यहाँ पर जो है बैटरी के वायर देखिए अंदर से उल्टे लगे हुए हैं। ये देखिए मैं ब्लैक में ब्लैक वायर लगा रहा हूँ, रेड में रेड वायर लगा रहा हूँ, लेकिन वोल्टेज क्या दिखा रहा है, माइनस में। यानी कि ये जो वायर है दोनों उल्टे लगे हुए हैं अंदर से, यानी कि जो हमारा ब्लैक वाला वायर है वो पॉजिटिव है और रेड वाला वायर जो है हमारा नेगेटिव है। ये देखिए, अब देखिए वोल्टेज एकदम सही दिखा रहा है। और यहाँ पर अभी क्या होता, अगर हम ये वायर लगा देते जैसे हमने कलर के हिसाब से लगाना था, तो हमारा जो बोर्ड है ये ख़राब हो जाता। लेकिन अब हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया कि वायर जो उल्टा है। हमेशा याद रखें, कभी भी मीटर अगर माइनस वोल्टेज दिखा रहा है तो समझ जाइए जो आपके वायर है या तो वो उल्टे हैं, या आपने जो मल्टीमीटर में ये वायर लगा रखा है वो उल्टा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर में देखिए बिल्कुल सही लगा है, कॉमन पे ब्लैक है और रेड है। लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत यही है कि ये जो वायर है यहाँ पर बैटरी के अंदर उल्टा लगा हुआ है। अब हम ये वाले वायर इसके अंदर लगाते हैं, और ये जो स्पीकर के वायर है, स्पीकर के भी वायर चेक कर लेते हैं कि अंदर से ब्लैक वायर जो है ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर ओम्स में रीडिंग आएगी, तो ये देखिए 4 ओम्स की रीडिंग आ रही है, यानी कि ये जो हमारा स्पीकर का वायर भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कर देते हैं साइड, और यहाँ पर वायर लगाने के लिए सबसे पहले हम जो है इसके अंदर देखिए इस तरीके से लगाएंगे, ये वाला वायर यहाँ लगाएंगे, और इसमें देखिए इससे क्या है, देखिए जब हम इस तरीके से सोल्डर लगाते हैं तो हम सोल्डर लगाने में क्या होता है कि जो उसकी सोल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये देखिए, ये हमने लगा दिया। पहले हम बैटरी वायर पर अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। ये हमने सोल्डिंग कर लिया, और सबसे पहले हम लगाएंगे देखिए इसके अंदर स्पीकर वायर। तो स्पीकर वायर हमारा ये वाला है दोनों, तो ये वाला वायर हम यहाँ लगाएंगे। देखिए जब हम पहले ही इसमें सोल्डर लगा लेते हैं अच्छी तरीके से तो सोल्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए, मैं अभी सोल्डिंग करके आपको दिखाऊँगा। तो ये जो रेड वाला वायर है ये माइनस है, मैंने आपको मल्टीमीटर में दिखाया था, तो ये मैंने लगा दिया माइनस वाले पॉइंट पे, और जो ब्लैक वाला वायर है वो पॉजिटिव है, ये लगा दिया मैंने पॉजिटिव पे। यहाँ पर देखिए इस स्पीकर के अंदर ये चीज़ उल्टा कर रखा है कि जो रेड वाला वायर है वो माइनस वोल्टेज का है, और जो ब्लैक वाला वायर है वो यहाँ पर इस तरीके से है। तो दोस्तों अब देखिए इसको, अब जब हम ऑन करके देखते हैं एक बार कि वायर हमारे सही तरीके से लगे हैं नहीं लगे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर कर रखा है। ये देखिए, ये मैंने ब्लैक वाला वायर माइनस वाले पे लगाया है, और पॉजिटिव वायर यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला लगाया, और देखिए जबकि यहाँ से सील है पूरा, यानी कि इसके अंदर वायर ही उल्टे लगा रखे हैं। और यहाँ पर मैं आपको देखिए ऑन करके भी दिखाता हूँ, चार्जिंग भी सही हो रहा है। ये देखिए रेड कलर का LED जल गया, और जब मैं ऐसे ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद देखिए ब्लू कलर का भी LED इसमें जल रहा है। देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए कंपनी ने कितना यहाँ पर कर रखा है कि अगर कोई भी इसके वायर को उल्टा लगा देगा तो ये एकदम से स्पीकर ख़राब हो जाएगा, और फिर हमें दोबारा नया लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस भाई का ये स्पीकर है उन्होंने 1600 रुपये का ये स्पीकर लिया था। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।